दिनांक 12/10/2020 सुबह 8:20 पे आप ये देखो कि ये किस तरीके से ये यहाँ पे कूड़े का ढेर और ये बिल्डिंग मटेरियल ईंटें पड़ी हैं घटिया क्वालिटी की और वो सामने रेते का ढेर। कोई किसी तरह के नियम का पालन नहीं किया जा रहा और ये देखो ये सामने सफाई हो रही है, किस तरह से धुआं उठ रहा है, कितना कूड़ा यहाँ पड़ा हुआ है, जगह जगह पट्टी टूटी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है। और साथियों मैं आपको आज ये बात चर्चा करना चाहता हूँ और ये अपोजिट ये ABG स्कूल के सामने ये ग्राउंड है और आपके सामने केशव महाविद्यालय के साथ में जगह है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे किस तरह से जो है ये ढेर लग रहा है, ये आप देखो ये किस तरह से रहते का ढेर, ये देखो कूड़े का ढेर लगे हुए हैं, ये देखो कूड़े का ढेर लगा हुआ चारों पार्क में रहते का ढेर। NGT गाइडलाइन का सब सॉल्यूशन है, मलबे का ढेर लगा हुआ है, कहाँ से मलबा आता है, कहाँ से कूड़ा आता है रोज, ये आप देखो ये COVID-19 के अंदर हाल है। ये देखो आप सारा चारों तरफ क्या ठेकेदार का आदमी बैठा भाई तू, हाँ कैसे बैठा है, किसका है, क्या करना है, मलबा ले जा रहे हो रात को ले गए बता रहे गाड़ी वाले, तो तुम किसी तरफ से हो, मैं तो ट्रैक्टर वाले ले और बैठा था, मेरा ट्रैक्टर पंचर हो गया, कहाँ पे पंचर लगवाने का, तो यहाँ कैसे बड़ा पंचर वहाँ होगा, तो वही यहाँ से ले गया ना मेरे को, यहाँ बिठा गया, वही अच्छा है मैं बैठ गया। कौन है ट्रैक्टर वाला, नाम बताइए ट्रैक्टर वाले का, सरकारी है प्राइवेट है, प्राइवेट, क्या नाम है, सतपाल, मोबाइल नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर क्या करो, मोबाइल अरे बात करनी है ना भाई, बात करनी है ना, किसने दिया ठेका उसको उठाने का, उठा थोड़ी ना रहा है, हाँ वो तो जा रहा था पंचर हो गया, मैं तो यहाँ छाए में बैठा हूँ, अच्छा तो यार तू भी इसको बना रहा है, तो यहाँ बैठ गया, यहाँ उतार दिया, कोई बात नहीं, अरे किसका काम कर रहा तू यहाँ पे, ठेकेदार की तरफ से डिपार्टमेंट की तरफ से है, मोहम्मद एहसान 3/5/2024 NDC रिक्शा केवल 50 रुपये है, क्या ये कमाला है, कमाला है ये ईटे वीटे लेके जा रहा, कमाल तो कहाँ से आयो तुम, दिल्ली चौक से आते हैं, दिल्ली जलोड से आयो, नहीं जल से चौक से, चौक से कहाँ से, किरागढ़ चौक से, ये माल डालने आए हो या उठाने आए हो यहाँ पे, माल डालने आते हैं लोग, ये बलवा कितने पैसे देते हो डालने के, हमने के ढंग से, तो यहाँ किसे डालते हैं बलवा, गाड़ी आती है पीछे है, ये कौन है, गाड़ी वाला, गाड़ी वाला यहाँ से बलवा उठाता है, ये ट्रॉली लेके जाता है मलबे की, और तुम योग यहाँ आते हो, ये फेंकते हैं यहाँ पे, बोला ना टूट फूट का माल आता है, तू तो कह रहा है कि मैं ऐसे रोड से जा रहा हूँ, ये कह रहा है यहाँ पे मलबा फेंकने आता है, झूठ बोल रहा है ना तू, मैं भी 100 नंबर की कॉल मार के पुलिस को बुला रहा हूँ, तू झूठ बोल रहा है ना, अभी तूने मुझे बात बोली कि मैं तो यहाँ से रोड से जा रहा हूँ, मेरे को यहाँ कुछ मतलब ऐसे बैठा, ये कह रहा है यहाँ पे मलबा डालता तू यहाँ पे तेरे ट्रॉली वाला, कब डाल लिया, तू जितना चला गुंडा ना, अभी पुलिस वाले आ रहे हैं, तेरा नाम एड्रेस बताएगा नहीं बताएगा, अपना मोबाइल नंबर, मैं किस चीज का बता ना बता, कोई बात नहीं, फोटो तो आ गई है, अभी 100 नंबर की कॉल कर रहा हूँ, मैं भी यही खड़ा हूँ, बुला रहा हूँ पुलिस वाले को, तो तुम मतलब यहाँ मलबा गिर रहे हो और तू यहाँ से ईटे चुप के लगे, बता नहीं रहा तू ऐसे पीरागढ़ी से यहाँ क्या करने आया, दूर टूट फूट का है, पीरागढ़ी नहीं चौक से आया, कौन सा चौक से आया, मंगोलपुरी चौक से, यहाँ क्या करने आया तू, टूट फूट का माल ले जाते हैं, क्या चीज का माल लेके आता है, गाड़ी आती है टूट फूट की मकानों की, वो ले हम क्या करेंगे, टूट फूट के मकानों की गाड़ी यहाँ गिर रही है, सारी मकानों की गाड़ी, कौन गिर रहा है यहाँ पे, कौन गिरता है माल, अभी आए दो हैं, कौन ट्रैक्टर वालों को नाम बता देना, मैं तो यही तो पूछ रहा हूँ, नाम मैं थोड़ा आए थे दो ट्रैक्टर वाले, चलो अब पता चल जाएगा, कैमरा लगे हुए हैं, खबर निकलवा रहा हूँ इसकी, ये सामने पीछे स्कूल के सामने है ना, ये बताओ कितनी ट्रैक्टर यहाँ मलबा गिर रहे हैं, यहाँ साले बताओ ये क्या बदमाशी में चलिए यहाँ पे, तो ये कह रहा है लड़का यहीं पे होता पूरे दिन रोज, वो कह रहा है लड़का, कह रहा है ये लड़का कह रहा है, ये पूछ लो, कह रहा है मुंह पे, वो कह रहा है ये लड़का रोज यहीं पे होता है,